नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बेडुधर रौतिया आप सभी का हमारे चैनल लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स में स्वागत है, अभिनंदन है। आज 26 नवंबर है और हम सब संविधान दिवस मना रहे हैं, तो मैं सभी को संविधान दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, मैं उन संविधान को नमन करता हूं जिन्होंने भारत के नागरिकों को छह प्रकार के फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार प्रदान किया। मैं उन सभी रचनाकार संविधान सभा के सदस्यों को भी मैं नमन करता हूं, विशेषकर डॉक्टर अंबेडकर साहब को नमन करता हूं। इसके अलावा संविधान के स्रोत यानी कि सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पब्लिक यानी कि जनता को भी नमन करता हूं। दोस्तों, हम आज संविधान दिवस मना रहे हैं। आइए हम जानते हैं संविधान के कुछ बैकग्राउंड हिस्ट्री। संविधान पारित होने के बाद जो हमारे संविधान के प्रस्तावना में जो मूलभूत बातें दी गई है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं और ये रिपोर्ट देखते। जनतंत्र, प्रजातंत्र, लोकशाही यानी डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्या मतलब है इसका? डेमोक्रेसी शुरू कहां से हुई? भारत में लोकतंत्र सदियों से स्थापित है। भारत के इतिहास पर नजर डालें तो लोकतंत्र की जड़ें हजारों साल पहले पूर्व वैदिक काल तक जाती नजर आती हैं। हमारी संसद की तरह ही प्राचीन वैदिक काल में परिषद हुआ करती थी। परिषद ही गणराज्य या संघ की नीतियों का संचालन करती थी। वैदिक काल का सबसे प्रसिद्ध गणराज्य लिच्छवी गंगा के उत्तरी क्षेत्र में स्थित था। इसकी राजधानी का नाम था वैशाली। प्राचीन भारत में और भी कई गणराज्य थे, जैसे शाक्य, उम्बष्ट, अग्रेय और योधेय आदि। वर्तमान संसदीय सत्र की तरह परिषदों के अधिवेशन भी नियमित रूप से होते थे। लोकतंत्र भारत की युगों पुरानी संस्कृति की एक महान विरासत है और हमारा संविधान हमारे लोकतंत्र और हमारे देश की संप्रभुता का एक महान उद्घोष है। हम सबके परिवारों में खुशहाली लाने के साथ देश को विकास के शिखर पर ले जा रहा है हमारा संविधान, हमारा लोकतंत्र। तो तय है, हम अपने जीवन के अधिकार तभी हासिल कर सकते हैं जब नागरिक के तौर पर अपने कर्तव्य पूरी तरह से निभाएं। संविधान ने नागरिकों के लिए 11 कर्तव्य तय किए हैं। तो क्या है ये कर्तव्य और हमारे संविधान और हमारे गणतंत्र की हमसे अपेक्षाएं क्या है? आइए जानते हैं 11 में से पहला कर्तव्य। संविधान तिरंगे और राष्ट्रगान का सम्मान, हमारी पहचान, हमारा अभिमान है भारत। आसमान पर लहराते जोशीले तिरंगे से जुड़ी है हमारी आन बान और शान। संविधान है हमारा मान सम्मान। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट, संसद और दूसरे इंस्टीट्यूशंस है हमारे संरक्षक। हमारे देश की महान संप्रभुता की घोषणा है हमारा प्यारा राष्ट्रगान। संविधान का पालन करना, इसके आदर्शों और इसके संस्थाओं के साथ राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। जानते हैं कि संकट की इस घड़ी में हमारे देश और हमारे गणतंत्र की हमसे क्या अपेक्षाएं हैं। हमारे संविधान ने सभी भारतीय नागरिकों के लिए 11 मूलभूत कर्तव्य उल्लेखित किए हैं। आइए जानते हैं कि इन 11 में से चौथा कर्तव्य क्या है। देश की सुरक्षा करें और जब भी बुलाया जाए अपनी सेवाएं राष्ट्र को अर्पित करें। देश के हर नागरिक का कर्तव्य है कि देश की रक्षा में तत्पर रहे और जब भी आवश्यकता हो और बुलाया जाए तो वो देश की सेवा के लिए समर्पित हो जाएं। यही हमारा चौथा संवैधानिक कर्तव्य है।
हेल्थ सेक्टर के एक्सपर्ट्स और अन्य देशों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए देश आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हमारे डॉक्टर, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, सेना, पुलिस और अन्य सुरक्षा बल, सफाई कर्मचारी, ड्राइवर और वो सभी जिनकी सेवाओं की जरूरत फ्रंट लाइन पर थी, वो अपनी जान की परवाह किए बिना अपने कर्तव्यों को पूरी शिद्दत से निभाने के लिए चल पड़े। ऐसे सभी कर्मवीरों को हमारा सलाम।